हेलो फ्रेंड, आपका सावी स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं पीछे भी आपको हिंदी के सेशन में बहुत सारी वीडियो बनाया और बहुत सारी चीज़ें बताया, भाषा बोली लिप आदि बारे में मैंने जानकारी दी थी। और आज हम बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सर्वनाम की अंग्रेजी होती है प्रोनाउन। वाइन करते हैं सर्वनाम की अंग्रेजी होती है प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आर, यह सर्वनाम शब्द है। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में बात करते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के सर्वनाम होते हैं। नंबर एक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी अंग्रेजी होती है पर्सनल प्रोनाउन, स्पेलिंग होगी पी आर एस ओ एन ए, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद नंबर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चयता का बोध होता है, इसकी अंग्रेजी होती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, D-E-M-O-N-S-T-R-A-T-I-V, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद तीसरा नंबर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी अंग्रेजी होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन, I-N-D-E-F-I-N-I-T-E, N-D-P-R-O-N-O-U। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, संबंधों का बोध होता है, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन, स्पेलिंग होती है R-E-L-A-T-I-V-E, रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी अंग्रेजी होती है। नंबर पांच, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, I-N-T-E-R-O-G-A-T-I-V-E, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, P-R-O-N-O-U-N, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर छह, निजवाचक सर्वनाम, जहां निजता का बोध होता है, जिसकी अंग्रेजी होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, R-E-F-L-E-F-I-V-E, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, P-R-O-N-O-U-N, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, अब बात करते हैं, पहले भी बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम का ऑप्शन क्या है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने तुमसे कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, मैंने तुमसे कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, मैंने तुमसे कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। यहां पे मैंने माने मैंने अपने लिए प्रयोग किया गया है, तुमसे जो सामने बैठा उसके लिए प्रयोग किया गया है कि वह कोई थर्ड आदमी है, जिसको कहा, कोई थर्ड बच्चा है जिसको कहा गया वह स्कूल नहीं जाएगा। यानी मैं अपने सामने वाले से कह रहा हूं वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं तो एक हाईलाइट है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने तुमसे कहा वह स्कूल नहीं जाएगा, मैंने तुमसे कहा वह रेलवे से यात्रा नहीं करेगा, मैंने तुमसे कहा वह बॉम्बे नहीं जाएगा, मैंने तुमसे कहा वह पढ़ता नहीं है, मैंने तुमसे कहा वह अच्छी ढंग से काम को संपन्न नहीं करता है। इस प्रकार के तमाम प्रकार के शब्द बनेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या करेंगे। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक, पहले वाचक का मतलब समझ लें, वाचक मतलब होता है वाचने वाला, जो किसी चीज की व्याख्या कर रहा हो, जो किसी चीज का वर्णन कर रहा हो उसको वाचक कहते हैं, जो उसकी व्याख्या करता है। अब यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम आपने देखा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
नहीं, मतलब जो जिस चीज की व्याख्या कर रहा है, माने पहला शब्द मुख्य है, उसके बाद व्याख्या करना शब्द उसके साथ जोड़ दीजिए, जो जिसकी व्याख्या कर रहा है वही उसका अर्थ होगा। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इंग्लिश इसकी होगी फर्स्ट पर्सन, यानी FIRST PERS फर्स्ट पर्सन, जैसा कि अर्थ से स्पष्ट है इसका मतलब क्या होगा। दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक, इसकी इंग्लिश होगी सेकेंड पर्सन, SECOND सेकेंड पर्सन। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी थर्ड पर्सन, THIRD PERSON थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं, इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। बोलने वाला जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है, यानी स्वयं के लिए प्रयोग करता है। बोलने वाला यदि मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर लूंगा, बोलने वाला जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जैसे मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा इत्यादि। इस प्रकार के शब्द बोलने वाला जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, हमारा, मेरा, आज, जैसे मैं कहूं हम अपने काम को बहुत मन से करते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से शिक्षा देते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे फिर दूसरा हमारा स्कूल, हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, हमारी यह स्टूडियो बहुत अच्छी स्टूडियो है जिसके माध्यम से मैं वर्ल्ड लेवल पे लोगों को पढ़ा, मतलब हमारा नाम इसमें आ गया। फिर उसके बाद मेरा, जहां पे मेरी खुद की बात हो, मेरा 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 अपना स्वतंत्र विचार है कि मैं YouTube के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये लॉकडाउन में भी मैं YouTube के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरा मतलब मैं यह बात अपने स्वयं के लिए कर रहा हूँ। यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें बोलने वाला स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिन शब्दों का सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला जिन शब्दों का सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला जिन शब्दों का सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी इसमें एक ही तो स्पष्ट है कि मैं बोल रहा हूं सामने कोई सुन रहा है, यानी बोलने वाला जिन शब्दों का सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं खुद बोल रहा हूं, सामने कोई व्यक्ति बैठा है जो मेरी बात को सुन रहा है, अगर वह मेरी बात को सुन रहा है तो उसके लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा बात करने में वह शब्द क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, आप, तुम्हें, आदि। जैसे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, अगर तुम भाई बहुत अच्छे हो, तुम भाई बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत करते हो, पहला शब्द हो गया। आपको प्रणाम करता हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी प्रेरणा से तो मुझे सीख मिलती है, आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के मैं आज बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, मैं अपना खुद का स्कूल चला रहा हूं। फिर उसके बाद अब उसे देखिए इसमें अंतर हो जाता है। तुम माने अपने समकक्ष के लोगों के लिए प्रयोग किया गया, आप माने अपने से बड़े के लिए प्रयोग किया गया, यानी तुम्हें आप कोई थोड़ा सा समकक्ष होगा या नीचे का होगा या जैसा भी होगा, तो उसके लिए कहते हैं तुम्हें मैंने कहा था कि
कि कल सर्वनाम पढ़ के आना और मैं पढ़ाऊंगा उसका एक अच्छा नोट बनाऊंगा और नोट को अच्छे से बनाऊंगा। यानी इन शब्दों का प्रयोग जहां होता है तुम आप तुम्हें इत्यादि शब्दों का जहां प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब तीसरे की बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है जिसकी बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा जिसकी बात कही जाए जिसकी बात कही जाए अथवा जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए जिसकी बात कही जाए अथवा जिस व्यक्ति के बारे में कोई बात की जाए कोई व्यक्ति यहाँ पे ना हो उसके बारे में कोई बात नहीं उसके विषय में कोई बात करते हैं ठीक है। जिसकी बात कही जाए अथवा जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं माने अन्य के लिए। जैसे वह बहुत मेहनती लड़का है या मैं उन्हें मेरा पढ़ाया अच्छे से समझ में नहीं आता है उसके लिए मैं उस किताबों का संग्रह करके लाया हूं माने जहां पे हुआ उन्हें उसके का प्रयोग हुआ है वहां पे क्या क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसमें पहला क्या होगा पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या हो गई इसके तीनों पार्ट की व्याख्या हो गई। अब दूसरा नंबर किसका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है नंबर दो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें चाहे वह पास बैठा हो चाहे वह दूर बैठा मतलब एकदम गारंटी के साथ इशारा किया जाए जहां निश्चय के साथ इशारा किया जाए निश्चयता का जहां पे बोध मतलब हम श्योर है कि यह वह जो कुछ भी है पूरी तरह से श्योर है वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा जिस सर्वनाम शब्द के किसी पास या दूर व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह वह वे जैसे मैं कहूं एकदम गारंटी के साथ कहूं कि यह एक कॉपी है यह एक कॉपी है मतलब यह गारंटी एक कॉपी क्योंकि मेरे हाथ में इसलिए इसकी गारंटी है। वह मैं कहूं वह कुछ सामान्य आवाज या कोई व्यक्ति दूर बैठा मैं कहूं वह फिर उसके बाद उन्हें दूर में कोई है या कोई सामग्री रखी हुई कोई सामान है उसको कहूं या सामान रखे उन्हें उठा लाओ पहले ही दूसरा मैं कर सकता हूँ उन्हें मैंने बार बार समझाया कि तुम पढ़ो पढ़ोगे अच्छे से मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे एक अच्छा सफल व्यक्ति बनोगे नहीं पूछोगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी मैंने ऐसे शब्दों का जहां पे भी इस्तेमाल हो वह क्या होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अब अगला नंबर है नंबर तीन अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है किसे कहते हैं जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत न करते हो मान ले अनिश्चित पहले से ही अर्थ स्पष्ट है अनिश्चय माने जहां निश्चित न हो अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत न करते हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और क्या कहलाता है अनिश्चयवाचक जहां मतलब निश्चय न हो एक संभावना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ कोई किनी आज मैं कहूं तुम बाजार जाओ कुछ सब्जियां लेके आना तुम बाजार जाओ कुछ सब्जियां लेके आना माने कुछ सब्जियां कोई क्वांटिटी नहीं है उसकी। या मैं कहूं तुम क्लासरूम में जाओ कुछ बच्चों को मेरी ऑफिस में बुला के लाओ मैनेजर जाके बोलो कि मैनेजर के ऑफिस में जाना है। तो अब कुछ माने कुछ बच्चों को इसमें नाम नहीं पता है या किस क्लास के गाना है ये भी नहीं पता है कोई मैंने सुना था कोई कह रहा था राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है माने कोई कह रहा था कौन कह रहा था ये भी निश्चित नहीं है किन्हीं
इन्हीं बातों को लेकर के राम और श्याम में आपस में झगड़ा हुआ, या इन्हीं बातों को लेकर राम और श्याम के मन में कुछ कठोर निर्णय आए जिससे पढ़ने को दोनों बहुत अच्छे हो गए। मतलब क्या हुआ, क्या था, कौन था, कितनी मात्रा थी, इसमें किसी चीज का कोई भी बोध नहीं है। यह क्लियर हो गया यहां तक का। अब आगे बात करते हैं, यह हो गया अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब कितना नंबर है, चौथा संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्लियर हो गया, इसका नोट आपको बना लीजिएगा, ना हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख करके आप इसका नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फिनिश करता हूं, आगे की बात करता हूं। देखिए जो शब्द जहां पे भी इस्तेमाल होते हैं वो अपना रूप खुद लेकर के होते हैं, ठीक ना। जैसे शब्द होंगे वैसा उनका प्रयोग होगा और शब्दों से ही उनके अर्थ स्पष्ट होंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी या इसके अंदर क्या होना है। और सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं कि जो हमेशा आपस की बोल चाल की भाषा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है तीन नंबर हो गया निश्चय वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम जिसकी अंग्रेजी है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध वाचक सर्वनाम नंबर चार। संबंध वाचक जैसा संबंध माने का संबंधों से, वाचक जो संबंधों का वर्णन करता हो, सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हो, वे क्या कहलाएंगे, करते हो वे संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, मतलब सर्वनाम शब्द का एक प्रयोग हुआ है और वह दूसरे सर्वनाम शब्द संबंध को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जिसमें जैसा आदि, ठीक है, जहां पे ऐसा प्रयोग हो वहां पे समझ लीजिएगा कि संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, जहां दूसरा सर्वनाम प्रयोग किया गया हो उसे किसी सर्वनाम का बोध होता हो वह संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद अगला नंबर पांचवा, पांचवा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इसके विषय में बात करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INTROGATIVE प्रोनाउन जो है PROMOUN, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जहां पे प्रश्न पूछा जाए ऐसा ही होगा ना, जब प्रश्नवाचक यहां पर प्रश्न शब्द आएगा तो क्वेश्चन जरूर लगा होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है उसके विषय में बात करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी जिन
या जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्न वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कहां, आज। जैसे क्या, कौन, किसने, कहां, आदि। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कहां, आदि। जैसे क्या, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो। अरे वाह, क्या बात है। फिर उसके बाद कौन कर रहा था? ईश्वर पांडे बहुत अच्छा पढ़ाता है। फिर उसके बाद किसने कहा था तुम बाहर जा रहे हो। यानी कौन, कहां, किसने, यह सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह इसके साथ प्रयोग होते हैं और प्रश्नवाचक का ये बोध कराते हैं। ठीक ना। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कराते हैं। नंबर 5 हो गया। छठा है निजवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक, इसकी अंग्रेजी है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, आर ई एफ एल ई एस आई बी, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, बी आर ओ एन ओ यू एल। यानी जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो, यानी जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के, यानी जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के, यानी जो वाक्य कर रहा है, वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के, यानी जो वाक्य बोल रहा है, जो वाक्य कहने वाला है, वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन यानी अपनत्व की भावना को प्रकट करते हो, अपनत्व की भावना भी प्रकट करते हो, वह क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप,
जैसे आप स्वयं अपना इतने तमाम प्रकार के बताएंगे अपने यानी जहां पे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो उसको समझ ले निजवाचक सर्वनाम है, यानी जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपना पन प्रकट हो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप स्वयं अपना अपने आदि, ठीक है ना, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमको आता है कि आप लोगों को सर्वनाम की विस्तृत व्याख्या समझ में आई होगी। सर्वनाम किसे कहते हैं वह आपको पता चला होगा, सर्वनाम के कितने भाग होते हैं वह आपको पता चला होगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे प्रमुख रहा, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग हैं वह आपको पता चला, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग होते हैं और फिर उसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। पुरुषवाचक सर्वनाम में नंबर एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार की व्याख्या हुई। फिर जो सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं, छह प्रकार की व्याख्या हुई, जिससे आपको पूरा सर्वनाम एक बेसिक लेवल का कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि शब्द रूपावली क्या होती है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, कारक क्या होता है, इन सारी चीजों की विस्तृत व्याख्या हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, जो न समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। आप लोगों को बहुत